अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ CCN। दिस इज चैप्टर नंबर 3, डेटा एंड सिग्नल्स। दिस लेक्चर विल मोस्टली बी ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रिवीजन कॉन्सेप्ट that you have covered or that you are going to cover in communication system. Those who have cleared this course communication system will have no issue, I guess will have no issue because of most of the concept are just the revision. But if you haven't cleared the communication system course, so things will be some difficult for you. It will be better to go in detail with these topics in communication system, so to better understand this chapter and upcoming chapters. Analog and digital data. Data जो है वो analog भी हो सकता है और digital भी हो सकता है. अब from the knowledge of communication system you are familiar with what is meant by analog data and what is meant by digital data. So yahan pe hum zyada tafseel mein baat nahi karenge. Analog data se murad information that is continuous, aisi information jo continuous nature ki ho usko hum analog data bolte hain. Yahan pe information ki baat ho rahi hai, signal bhi analog ya digital ho sakta hai. तो दोनों एस्पेक्ट्स हैं कि एनालॉग डेटा, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग डिजिटल डेटा और डिजिटल सिग्नल. तो डेटा से मुराद आपकी इंफॉर्मेशन है, और अगर वो इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस नेचर के अंदर है कि मिसाल के तौर पे आप टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज रह रहा है टाइम की हर वैल्यू के ऊपर. तो ऐसे या जो मेरी वॉइस है, लेट सपोज, तो मेरी वॉइस इज बेसिकली is made up of variation in the amplitude, और वो variation जो है वो continuous है, कभी ज़्यादा कभी कम, और time की हर value पे exist कर रहा है. यानी कि जितने certain time के लिए मेरा signal exist कर रहा है उतनी देर के लिए मेरी signal की value भी मौजूद है. तो यानी कि ये जो data है it is analog. इसी तरीके से ऐसा data जहाँ information जो है वो discrete states में मौजूद हो, यानी कि अभी मौजूद है, फिर एक स्पेस ऑफ टाइम के बाद दोबारा अवेलेबल है, फिर अवेलेबल नहीं है और फिर अवेलेबल है. तो जिस तरह हमारा डिजिटल क्लॉक जो हमारी इंफॉर्मेशन रिवील कर रही है वो लेट सपोज 2 बजा रही है, ठीक है. अब 2 के बाद वो 2:01 शो करेगी, इन बिटवीन 0 और 1 तो उसने वो इंफॉर्मेशन शो नहीं की. तो ये जो डेटा है वो शो कर रही है या रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज़ डिजिटल डेटा. इसी तरीके से जब इस डेटा को हम सिग्नल से रिप्रेजेंट करेंगे तो एनालॉग सिग्नल वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कंटिन्यूस वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. डिजिटल सिग्नल ऑन द अदर हैंड विल हैव सिग्नल इंटेंसिटी दैट इज डिफाइंड एट ओनली डिस्क्रीट इंस्टेंट, ठीक है. मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा अभी, लेट सपोज दिस इज एनालॉग सिग्नल. नाउ दिस सिग्नल इज चेंजिंग द इंटेंसिटी या चेंजिंग द एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली ओवर द टाइम. लेकिन ऑन द अदर हैंड दिस सिग्नल हैज ओनली 4 वैल्यूज. अदर हैंड डिजिटल सिग्नल जो होता है उसमें लिमिटेड वैल्यूज होती हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, और वो
डिस्क्रीट इंस्टेंट पे भी डिफाइन होती है। अगर ये टाइम है तो एक वैल्यू यहाँ डिफाइन हुई भी है, एक वैल्यू यहाँ है, एक वैल्यू यहाँ है और एक वैल्यू यहाँ है। तो ऐसे सिग्नल को फिर हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। अदरवाइज अगर एक सिग्नल टाइम की हर वैल्यू पर डिफाइन होता है, डिफाइन से मुराद क्या है मेरी कि इट हैज सम वैल्यू, तो ऐसे सिग्नल को फिर हम कंटिन्यूस बोलते हैं। इसी तरीके से सिग्नल पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक हो सकता है। पीरियोडिक सिग्नल से मुराद होती है ऐसा सिग्नल जो अपना पैटर्न या जो उसका स्ट्रक्चर है वो रिपीट करेगा ओवर एंड ओवर अगेन आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको हम पीरियड बोलते हैं। लेट सपोज दिस इज वन पैटर्न जो कि इतने टाइम में कंप्लीट हुआ। अब अगर नेक्स्ट भी यही पैटर्न रिपीट होता है तो फिर वो पीरियोडिक सिग्नल कहलाएगा, और अगर वो ये नहीं कर रहा तो इसका मतलब फिर वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। सिग्नल जो है वो सिंपल भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है। यानी कि ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये एक सिंगल सिंपल सिग्नल था, लेकिन हम बहुत सारे सिग्नल्स को कंबाइन करके कंपोजिट सिग्नल भी बना सकते हैं। कोई भी सिग्नल हो, चाहे वो सिंपल हो या वो कॉम्प्लेक्स हो, उसके तीन पैरामीटर्स हैं, पीक, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड द फेज। तो एनी सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दीज थ्री, पीक, पैरामीटर, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड द फेज। सो इफ आई ड्रॉ अ सिग्नल हियर, सो दिस इंडिकेट्स द पीक एम्पलीट्यूड। एक इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड भी होता है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन की, कि जब हम एक सिग्नल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सो वी नीड एटलीस्ट थ्री क्वांटिटीज, पीक एम्पलीट्यूड, then frequency and maybe there is a phase difference as well as। तो frequency आपको पता होगी कि number of cycles and एक 1 second के अंदर हैं, और phase से मुराद है उस signal की orientation या उस signal की position with respect to the time। तो एक सिग्नल को अगर रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली तो मुझे पीक एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एफ और एक फेज डिफरेंस अगर वो मौजूद है तो उसकी जरूरत पड़ती है। तो लेट सपोज ये एक पीरियोडिक सिग्नल है जिसकी रिप्रेजेंटेशन टाइम डोमेन में भी की गई है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी की गई है। अगर आप टाइम डोमेन में देखेंगे तो यू विल फाइंड अ वेरिएशन इन द सिग्नल एम्पलीट्यूड, ठीक है, और उसका पीक एम्पलीट्यूड, यानी कि टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन इज एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिग्नल की एक ऑसिलेशन नज़र आएगी और उसका एम्पलीट्यूड नज़र आएगा, देन यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ 1 second। तो अगर यही बात है कि जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है वो आपको एम्पलीट्यूड की इन्फॉर्मेशन दे रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बहुत ईजीली, फ्रिक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपको फ्रिक्वेंसी डोमेन में जाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार सिग्नल इतना सिंपल नहीं होता कि आप उसको देख के उसकी फ्रीक्वेंसी बता दें। तो जब आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक पीरियोडिक सिग्नल की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक सिंपल बार होती है। अगर इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी है तो फिर एक ही बार अपीयर होगा कि भाई इसमें लेट्स सपोज 6 kHz या 6 Hz की फ्रीक्वेंसी है और उसका एम्पलीट्यूड 5 रहेगा। लेकिन अभी तक जो भी हमने 2 examples देखी उसमें जो सिग्नल था वो एक सिंपल सिग्नल था, लेकिन नॉर्मली एक सिंगल फ्रिक्वेंसी सिग्नल इतना काम का होता नहीं है डेटा कम्युनिकेशन में। नॉर्मली वी वर्क अप विद द कंपोजिट सिग्नल, यानी कि ऐसा सिग्नल जो कि बहुत सारे सिग्नल से मिलकर बना हुआ होता है।
और कम्युनिकेशन नॉलेज, कम्युनिकेशन सिस्टम में आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर एनालिसिस पढ़ा होगा। फोरियर बेसिकली अ नेम ऑफ साइंटिस्ट जो कि बताता है कि एनी कंपोजिट सिग्नल, कोई भी कंपोजिट सिग्नल अगर है आपके पास, इट इज दिखने में वो भले ही कितना ही अजीब व गरीब लग रहा हो, लेकिन इट इज नथिंग बट सिंपली अ कम्बिनेशन ऑफ सिंपल साइन वेव्स विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड फेज। यानी कि वो कम्बिनेशन होता है, वो मिलाप होता है मुख्तलिफ साइनोसाइडल सिग्नल्स का। योर साइनोसाइडल इज बेसिकली अ मोस्ट फंडामेंटल सिग्नल टाइप, ठीक है। अब वो अभी तक हमने एक सिंपल सिग्नल देखा था जो कि एक साइनोसाइडल सिग्नल ही था। कंपोजिट सिग्नल इज नथिंग बट सिंपली अ एडिशन ऑफ दीज साइनोसाइडल सिग्नल्स। तो अगर आप इफ यू आर डीलिंग विद अ कंपोजिट सिग्नल और वो कंपोजिट सिग्नल पीरियोडिक भी है, तो अगर आप उसकी डीकम्पोजिशन करते हैं, डीकम्पोजिशन से मुराद फोरियर एनालिसिस है। फोरियर एनालिसिस से मुराद एक मिसाल के तौर पे आपके पास एक खाना बना हुआ आता है, तो आप उसकी डीकम्पोजिशन से मुराद है कि आप उसकी उसमें रेसिपी तलाश कर रहे हैं कि भाई उसमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स शामिल थे, ठीक है। तो अगर एक कंपोजिट पीरियोडिक सिग्नल है और उसकी डीकम्पोजिशन या उसका फोरियर एनालिसिस कर रहे हैं, तो यू विल हैव अ डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज मिल रही होंगी। आपको इस तरह का सिग्नल नज़र आ रहा होगा कि जिसमें दो तीन बार नज़र आ रहे होंगे। अब ये एक ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल था तो एक ही बार नज़र आ रहा है। अगर ये कंपोजिट सिग्नल होता तो लेट सपोज एक बार यहाँ भी आ जाता, एक बार यहाँ भी आ जाता, जितनी फ्रीक्वेंसीज उस सिग्नल में कंपोजिट होती वो सब जो है वो डिस्क्रीट मैनर में दिखा देता फोरियर एनालिसिस। इसी तरीके से अगर एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल होगा, कंपोजिट सिग्नल होगा, तो उसमें जो उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आएगा वो कंटिन्यूस होगा। ये जस्ट एक मैंने जैसे शुरू में बताई बात, अभी स्टूडेंट्स ने बाद में ज्वाइन किया है, तो ये चैप्टर बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन है। तो जब आप किसी सिग्नल की डिकम्पोजिशन करेंगे तो यू विल कम अप विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड हारमोनिक्स। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि खाने की डिश है, तो उसमें लेट सपोज अगर चिकन कढ़ाई है, तो उसमें चिकन का जो एलिमेंट है वो एक बुनियादी हैसियत रखता है या मेन इंग्रेडिएंट है। या कोई स्मूदी, कोई जूस की बात कर रहे हैं, मैंगो जूस की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैंगो का किरदार जो है वो एक फंडामेंटल है। इसी तरीके से जो एक कंपोजिट सिग्नल था उसमें एक जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फंडामेंटल या डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, जो मेन फ्रीक्वेंसी है, जो कि उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर और ओवरऑल शेप में बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है। जैसे एक मैंगो शेक में मैंगो का टेस्ट, मैंगो का जो किरदार है वो सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो ज़्यादा हैसियत रखता है। इसी तरीके से चिकन जो है कढ़ाई में चिकन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो इसी तरीके से एक कंपोजिट सिग्नल में जो मेन सिग्नल होगा या मेन फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम फंडामेंटल कहते हैं। इसके अलावा जो सपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं, सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो उसके शेप को, उसके टेस्ट को और अच्छा कर देते हैं, उनको हम हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ये बेसिकली सवाल था, लेकिन मैंने यहाँ इसको समझा भी दिया, ठीक है जनाब। तो इसी तरीके से एक बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट है। बैंडविड्थ से मुराद होती है आपकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब जैसे हमने कंपोजिट सिग्नल की बात की, तो कंपोजिट सिग्नल का मतलब क्या है कि भाई उसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं। अब जितनी फ्रीक्वेंसीज वो अपने अंदर कंटेन रखेगा वही उस सिग्नल की बैंडविड्थ है, ठीक है। बैंडविड्थ किसी सिग्नल की भी हो सकती है और बैंडविड्थ किसी सिस्टम की भी हो सकती है, तो डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। अगर आप सिग्नल की बात कर रहे हैं तो सिग्नल से मुराद बैंडविड्थ की क्या होगी कि उसमें कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो जितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी उतनी उसकी बैंडविड्थ हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज अ रेंज ऑफ बैंडविड्थ। इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है F2 - F1, यानी कि F2 आपकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और F1 आपकी सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह आपको रेंज मिल जाएगी। लेट सपोज एक फ्रीक्वेंसी है 1 kHz, एक है 2 kHz, एक है 6 kHz, एक है 7 kHz, एक है 10 kHz। तो आप 10 - 1 करेंगे तो यानी कि 9 kHz
कीज़ को रेंज चाहिए पूरी इस सिग्नल को पास होने के लिए। इसी तरीके से सिस्टम की बैंडविड्थ है। अब सिस्टम की अपनी बैंडविड्थ है, तो सिस्टम की बैंडविड्थ हम कैसे डिफाइन करते हैं कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अ सिस्टम कैन पास। सिस्टम को आप एक अ सॉर्ट ऑफ फिल्टर समझ लें, सिस्टम को एक अ सॉर्ट ऑफ पाइप समझ लें जिसमें से कुछ चीज़ पास होनी है। मिसाल के तौर पे बहुत अच्छी एग्जांपल है आपके कान, आपके एयर, जिनसे आप फ्रीक्वेंसी सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं। आपका जो इंसानी जो कान होता है, इंसानी जो एयर है, अल्लाह ताला ने उसको एक फ्रीक्वेंसी अता की है कि वो 0 से 20 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकता है। अगर कोई ऐसी आवाज़ जो 0 से कम या 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा है तो फिर वो आपका कान नहीं सुन सकेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कान की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलोहर्ट्ज़ है। तो अगर ऐसा सिग्नल आता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 या 20 से कम है तब तो वो आपको सुनाई देगा, नहीं तो फिर वो सुनाई नहीं देगा। इसी तरीके से दूसरे जानवर हैं, उनके कानों उनकी फ्रीक्वेंसीज की रेंज डिफरेंट है, उनकी बैंडविड्थ डिफरेंट है। तो बैंडविड्थ का मतलब ये होता है। तो लेट्स सपोज एक एक्सरसाइज करते हैं। नॉन पीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 200 किलोहर्ट्ज़। तो 200 किलोहर्ट्ज़ की उसकी बैंडविड्थ है, यानी कि उसने हमें रेंज बता दी। पूरी रेंज बता दी, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी थी कि 10-1, तो उसने 10-1 का आंसर आया था 9। तो यहाँ उसने हमें आंसर बताया हुआ है कि उसकी 200 बैंडविड्थ है। अब उसने बता दिया कि मिडिल जो है फ्रीक्वेंसी वो 140 है, इस पूरी रेंज का जो मिडिल पार्ट है वो 140 किलोहर्ट्ज पर आ रहा है। अच्छा, याद रहे कि 200 बैंडविड्थ है, इसका मतलब 0 से 200 कतई नहीं है, ये 200 किसी भी रेंज में हो सकती है। ठीक है, ये 200 लेट सपोज 100 से 300 के दरमियान भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। 200 इज द रेंज कि भाई जो विद है उस सिग्नल की, उसमें जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं उनकी पूरी विद बनाई जाए तो वो 200 बनेगी। और अब उसने दूसरी बात क्या बताई कि उस रेंज जो पूरी रेंज है कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, ये हमें नहीं पता। लेकिन उस रेंज का यानी कि F2-F1 करते हैं अगर हम, तो ये 200 का मतलब ये है कि अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी इज 200 और इसका जो हाफ है इस रेंज का वो 140 है, पीक एम्पलीट्यूड 20 है, अच्छा यहाँ पे बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है बहुत सिंपल सवाल है, मैंने जो है इसको बिला वजह में सॉल्व किया, मैं चाहता तो आपको ही ये होमवर्क देता। तो रेंज 200 है, 140 उसका मिडिल है और मिडिल के ऊपर ही पीक आता है, तो मिडिल फ्रीक्वेंसी इज 140 एंड हैज अ पीक ऑफ 20 एम्पलीट्यूड, यानी कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो पीक आ रही है 20 किलोहर्ट्ज़ की। और जो उसके एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज हैं यानी कि जिस F1 और F2 उन पे 0 एम्पलीट्यूड है, ग्राफ वुड बी लाइक दिस, इट वुड बी लाइक अ ट्रायंगल। ठीक है, अगर कंटिन्यूस है, अगर ये डिस्क्रीट होता वी विल हैव दिस सॉर्ट ऑफ ग्राफ। ठीक है जनाब, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि बैंडविड्थ किस तरह विजुलाइज की जा सकती है। तो बैंडविड्थ इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अ सिग्नल कंटेंट, अगर आप सिग्नल के हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अ सिस्टम कैन पास। तो
तो ये सारी डिस्कशन जो थी कि सिग्नल एनालॉग भी हो सकता है, सिग्नल पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक दोनों हो सकते हैं, और सिग्नल जो है वो आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों हो सकता है, तो ये सारी डिस्कशन जो है वो एनालॉग सिग्नल के हवाले से थी। मैंने आपको थोड़ा सा डिजिटल सिग्नल का आइडिया दिया था शुरू में, आप इसको डिटेल में दोबारा रिकवर करते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है, अगर वो इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन था, एक बात मैं आपको दोबारा यहाँ बता दूं कि शुरू में जो हमने देखा था कि इन्फॉर्मेशन कैन बी या डेटा कैन बी एनालॉग एंड डेटा कैन बी डिजिटल, इसी तरीके से डेटा कैन सिग्नल कैन बी एनालॉग एंड डिजिटल। अब अगर आपके पास एनालॉग डेटा है तो आप उससे एनालॉग सिग्नल प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर डिजिटल सिग्नल भी बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर डिजिटल इन्फॉर्मेशन है या डिजिटल डेटा है तो उससे आप डिजिटल सिग्नल तो क्रिएट कर ही सकते हैं और डिजिटल सिग्नल से दोबारा आप एनालॉग सिग्नल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नो मैटर के इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म के अंदर है, योर सिग्नल कैन इधर भी एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। फिर अगर वो एनालॉग है या चाहे वो डिजिटल हो, वो पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है, फिर सिग्नल कंपोजिट या सिंपल भी हो सकता है, ठीक है। बैंडविड्थ से मुराद भी हमने देख ली। तो डिजिटल सिग्नल जो है बेसिकली आर रिप्रेजेंटेड, जो है इन्फॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डिजिटल सिग्नल, जैसे मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन है वो डिजिटल सिग्नल से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है, ठीक है। लेट सपोज सीरीज ऑफ वोल्टेज लेवल्स इंस्टीट्यूट ऑफ अ साइनोसॉइडल वेव, आपके पास जो है वो एक डिजिटल वेव फॉर्म है जिसमें वोल्टेज लेवल्स हैं जो हाई या लो हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं कि सिर्फ आपके डिजिटल सिग्नल के अंदर दो ही लेवल्स हों, दो से ज्यादा लेवल्स भी हो सकते हैं। जितने ज्यादा लेवल्स होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम भेज सकते हैं। लेट सपोज पहली एग्जांपल है कि इस डिजिटल सिग्नल, अब डिजिटल सिग्नल क्यों है, क्योंकि ये डिस्क्रीट, इसके अंदर लेवल्स मौजूद हैं, सिर्फ दो ही लेवल्स मौजूद हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन जो हमारा एनालॉग सिग्नल था उसमें कितने लेवल्स थे, उसमें तो इनफिनाइट लेवल्स थे। ये भी एक लेवल है, मतलब मैं लिमिटेड नंबर ऑफ लेवल्स ड्रॉ कर सकता हूँ, बट इन दोनों लेवल्स के दरमियान भी लेवल्स हैं, तो वहाँ लेवल्स की कोई काउंटिंग नहीं थी, वहाँ इन्फिनाइट लेवल्स थे। लेकिन डिजिटल सिग्नल के अंदर हमारे पास लिमिटेड या डिस्क्रीट लेवल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा टाइम की हर वैल्यू पे डिफाइंड भी नहीं होता। बहरहाल तो यहाँ लेवल दो हैं, एक लेवल एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि भाई वोल्टेज लो है तो इसका मतलब जीरो बिट ट्रांसमिट हो रही है, अगर वोल्टेज हाई है तो फिर वन ट्रांसमिट हो रहा है, तो यानी कि एक लेवल पर एक बिट ट्रांसमिट हो रही है, तो वन बिट पर लेवल, तो 1 सेकंड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 वी आर ट्रांसमिटिंग 8 बिट्स पर सेकंड। तो हमारा जो बिट रेट है, डेटा रेट यानी कि वो 8 बिट्स पर सेकंड आ गया। लेकिन अगर लेवल ज्यादा हो मेरे डिजिटल सिग्नल के अंदर, जैसे कि यहाँ पे 4 लेवल्स हैं, तो लेट सपोज अपर लेवल 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे लोअर लेवल 10 को कर रहा है, लेवल 2, यानी कि अब मेरे पास लेवल ज्यादा है तो मैं मोर इन्फॉर्मेशन भेज सकता हूँ। एक लेवल पे अब 2 बिट्स जा रही हैं। इसकी मिसाल वही है कि पहले पहले पिछली एग्जाम्पल में क्या था कि एक कार है आपके पास, लेवल से मुराद आपका सिग्नल एलिमेंट होता है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। तो कैरियर से मुराद लेट सपोज कोई कार है जिसके अंदर लेट सपोज ह्यूमन ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल के अंदर एक कार या एक सिग्नल एलिमेंट 1 बिट को लेके जा रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन, और यहाँ एक लेवल हमें 2 बिट्स को ट्रेवल करवा रहा है, यानी कि एक ही कार में अब 2 इंसान ट्रेवल कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करवा देंगे या ज़्यादा अफराद हमारे मूव कर जाएंगे, तो बिट रेट ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा 1 सेकंड के अंदर। लेकिन हर चीज़ का एक ड्रॉबैक होता है, जितने ज़्यादा लेवल्स आप बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी
बढ़ती जाएगी सिस्टम में, और रिसीवर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है क्योंकि रिसीवर हैव टू मेक अ डिसीजन कि कौन सा लेवल है, एम्पलीट्यूड क्या है, उस कौन सी बिट्स को डिकोड करना है। अगर एक डिजिटल सिग्नल के अंदर 8 लेवल्स होंगे तो वो एक लेवल पर कितनी बिट्स लेकर जाएगा, इसका आंसर आपको ऊपर मिल सकता है कि इफ़ द सिग्नल हैज़ एल लेवल्स ईच लेवल नीड्स लॉग टू ऑफ एल बिट्स, यानी कि अगर सिग्नल के अंदर 8 लेवल हैं, एल इज 8 हेयर, देन ईच लेवल विल नीड्स लॉग टू ऑफ 8, कितना हो जाता है 3 आंसर आएगा इसका, लॉग टू ऑफ 3। तो अगर 4 लेवल्स हैं, जैसे हमारी सेकंड एग्जांपल में 4 लेवल्स हैं, तो log 2 of 4 2 बिट्स आंसर आ रहा है। तो इस तरह आप ये निकाल सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द लेवल्स कि कितनी बिट्स ट्रांसमिट होंगी। बिट रेट का वर्ड मैंने बहुत यूज किया, और बिट रेट से मुराद है कि कितनी बिट्स आप एक सेकंड में ट्रांसमिट कर रहे हैं। जैसे प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो है वो 2 बिट रेट दिखाए, एक दफा 8 बिट पर सेकंड और एक दफा 16 बिट पर सेकंड। यहाँ पर भी कुछ एक्सरसाइज है जो कि आपको सॉल्व करनी है। वी नीड टू डाउनलोड, हमें एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, और हमारी जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो है 100 पेजेस पर सेकंड। हम 100 पेजेस एक सेकंड में डाउनलोड कर लेते हैं, तो पूछ रहा है कि बिट रेट कितना होगा इस चैनल का। वो चैनल आपको एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने दे रहा है, और उस डॉक्यूमेंट में 100 पेजेस हैं और वो एक सेकंड में डाउनलोड हो जाता है। तो बिटरेट कितना है, तो बिटरेट कितना है, अब उसकी तफसीलात आपको बता देंगे। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पेज में 24 लाइनें हैं और हर लाइन के अंदर 80 करेक्टर हैं, और एक करेक्टर 8 बिट कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यू विल कम अप विद द टोटल नंबर ऑफ बिट रेट्स कि एक सेकंड में कितनी बिट्स ट्रांसमिट हो रही हैं। नेक्स्ट क्या है, एक और एग्जांपल है, अ वॉइस सिग्नल ऑफ 4 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ। अब यहां देखें, बैंडविड्थ को मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल बता देता हूं कि एक वॉइस सिग्नल है जिसकी 4 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ है, यानी कि उसकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज देखी जाए तो वो अप टू 4 किलोहर्ट्ज, यानी कि F2 माइनस F1 का आंसर 4 किलोहर्ट्ज आया है। दैट नीड टू बी सैंपल एट ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब ये सैंपलिंग की बात की जा रही है, सैंपलिंग का जो टॉपिक है वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है। बेसिकली सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बेसिकली एनालॉग सिग्नल को जब डिजिटल में लेके जा रहे होते हैं तो हम सैम्पलिंग करते हैं, और सैम्पलिंग का एक रूल है कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो ट्वाइस पर की जाएगी, यानी कि अगर एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी या उसकी बैंडविड्थ या उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 है तो हम उसको 8 किलोहर्ट्ज के ऊपर करेंगे सैम्पल। तो यहाँ वो यही बात कर रहा है कि जो आप सैंपलिंग कर रहे हैं वो 8 किलोहर्ट्ज पे कर रहे हैं, यानी कि सैंपल ले रहे हैं। अब सैंपल लेने से मुराद क्या है, मैं दोबारा बता दूं कि भाई ये चीज़ जो है कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है। तो मिसाल के तौर पे ये सिग्नल है, ये कंटिन्यूस सिग्नल है। अब मुझे इसको डिजिटल करना है, तो डिजिटल सिग्नल या डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है, दैट इज डिफाइंड एट ओनली डिस्क्रीट इंस्टेंट। डिस्क्रीट अभी क्या है कि इट इज डिफाइंड एट एवरी इंस्टेंट। नाउ आई वांट टू डिफाइन इट एट ओनली डिस्क्रीट इंस्टेंट, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके सैंपल्स लूंगा लाइक दिस 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 दिस, या ये जो वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं, दिस इज नॉट द सिग्नल, इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन कि मैं इस टाइम के ऊपर सिग्नल की वैल्यू को कैप्चर कर रहा हूँ और इसके बाद वाले टाइम में मिस कर रहा हूँ और फिर दोबारा कैप्चर कर रहा हूँ, यानी कि मैं इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के अंदर। तो आई एम कमिंग अप विद अ डिस्क्रीट सिग्नल, और ये जो मैं कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, मैं सैंपल्स ले रहा हूँ,
तो मैं कितनी जल्दी या मैं कितनी देर में सैंपल्स लूंगा, ये मेरी सैंपल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो जो नॉर्मल रूल ऑफ थंब है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का, वो है ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ योर सिग्नल, जो कि 4 किलोहर्ट्स। इसने बताई है कि वॉइस सिग्नल की बैंडविड्थ 4 किलोहर्ट्स है और उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी 4 किलोहर्ट्स ही होती है। तो इसका मतलब हम उसको 8 किलोहर्ट्स के ऊपर सैंपल कर रहे हैं, यानी कि 8,000 सैंपल्स हम 1 सेकंड में एनालॉग सिग्नल के ले लेते हैं, वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। फिर यानी कि आप जो सैंपल्स ले रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, वो 8,000 हैं, और हर एक सैंपल में जो इंफॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 8 बिट्स की जरूरत पड़ रही है। तो फिर बताएं कि टोटल बिट रेट 1 सेकंड में कितना हो रहा है। बिट रेट से मुराद जब भी बात की जाएगी तो नंबर ऑफ टोटल बिट्स विच आर ट्रांसमिटिंग इन अ 1 सेकंड पूछा जा रहा है। तो ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, व्हाट इज अ बिट रेट ऑफ हाई डेफिनेशन टीवी, ये आपका होमवर्क है, बल्कि इनफैक्ट तीनों होमवर्क हैं, और ये सॉल्व यहाँ हुआ हुआ भी है शायद, या नहीं हुआ हुआ होगा, तो खैर वो मैंने स्लाइड हाइड की हुई है। तो यू विल कम अप विद दिस सॉल्यूशन, फिर मुझसे आप शेयर करें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। अच्छा, एनालॉग जब सिग्नल के साथ हम डील कर रहे होते हैं तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है वेवलेंथ का, जो कि मीटर में होता है। जिस तरह एक पीरियड से मुराद होती है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वेव टू कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल, और पीरियड को हम टाइम में बात कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब सिग्नल प्रोपोगेट करता है एनालॉग सिग्नल, तो इट कवर सम डिस्टेंस। सो वेवलेंथ से मुराद होती है कि वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द वेव इज कवरिंग x डिस्टेंस। तो वो जो x डिस्टेंस है इज बेसिकली द वेव लेंथ, लेंथ ऑफ द वेव, डिस्टेंस कवर बाय द वन साइकिल ऑफ द वेव। इसी तरीके से डिजिटल के अंदर क्या मामला है कि डिजिटल में कोई वेव तो होती नहीं है, उसमें पल्सेस होती हैं, ठीक है। हर एक पल्स एक बिट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो एक पल्स की कितनी ड्यूरेशन है, ये मैंने 3 पल्सेस बना दी ऑफ डिफरेंट लेंथ, लेकिन मेरी इंटेंशन डिफरेंट लेंथ की बनाने की नहीं थी। बहरहाल तो ये जो लेंथ है इनकी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, दिस लेंथ इज बेसिकली इक्वल टू द बिट लेंथ, एंड इट इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ 1 बिट ऑक्यूपाई, क्योंकि हर पल्स एक बिट को रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे 1 चाहे 0, ठीक है जनाब। तो बिट लेंथ इज बेसिकली द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पल्स टू रिप्रेजेंट 1 बिट। अब अगर आपके सिग्नल की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो आपकी पल्स विथ या पल्स की लेंथ जो है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है, और आप ज्यादा पल्सेस भेजेंगे तो ज्यादा पल्स भेजेंगे तो ज्यादा बिट्स भेजेंगे। अच्छा, डिजिटल सिग्नल जो है, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे हमने बात की थी सिंपल सिग्नल्स और कंपोजिट सिग्नल, ठीक है। फिर हमें पता चला था कि भाई जो कंपोजिट सिग्नल होता है वो भी बेसिकली मेडअप होता है सिंपल हार्मोनिक्स या सिंपल साइनोसाइडल सिग्नल्स का। अब जो डिजिटल सिग्नल है वो भी बेसिकली दिखने में तो इस तरह का होता है, लेकिन इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट वर्जन या कंपोजिट ऑफ या मेडअप ऑफ वेरियस एनालॉग सिग्नल। और जब हम वेरियस एनालॉग सिग्नल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यानी कि बहुत सारे एनालॉग सिग्नल या बहुत सारे साइनोसाइडल सिग्नल मिलकर एक डिजिटल सिग्नल बनाते हैं, ठीक है। फिर उन साइनोसाइडल सिग्नल में कोई ना कोई फंडामेंटल एलिमेंट भी होगा और फिर बाकी सारे हार्मोनिक्स होंगे। अच्छा, तो क्या डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ इनफिनाइट होती है? अगर थ्योरेटिकली बात करें तो डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ इनफिनाइट होती है,
क्योंकि एग्जैक्टली स्क्वायर वेव का जो शेप है, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर वेव बनाने की कोशिश की गई है, ये तभी बनती है कि जब आप इनफिनाइट नंबर ऑफ साइनोसाइडल कंपोनेंट्स को ऐड करें। और ये बात मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि ये अगेन कम्युनिकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, फोरियर टॉपिक है, फोरियर एनालिसिस से मिलती है बात हमें। तो यहाँ पे वो यही बात बता रहा है टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर पहले एक पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल है और एक नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। तो एक परफेक्ट स्क्वायर वेव अगर होगी तो इट विल बी मेड अप ऑफ बाय द इनफिनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जिसमें एफ आपका फंडामेंटल एलिमेंट है, लेट सपोज बाकी 3F, 5F ये आपके हार्मोनिक्स ऐड होते रहेंगे। तो एक आइडियल स्क्वायर वेव के अंदर इनफिनाइट अमाउंट ऑफ हार्मोनिक्स ऐड होते हैं, और अगर वो एक नॉन पीरियोडिक डिजिटल पल्स है तो भी उसमें इनफिनाइट फ्रीक्वेंसीज ही होंगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस डोमेन में आएगा। अब ये क्यों आ रहा है क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह फोरियर, अगर आप देखेंगे फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग देखेंगे तो एक जगह समेशन है और एक जगह इंटीग्रेशन है, तो वो इंटीग्रेशन की वजह से कंटीन्यूअस सिग्नल बन रहा है और वहां समेशन की वजह से डिस्क्रीट आ रहा है। अब सवाल पैदा ये होता है कि आपके पास आपने यहाँ तक क्या चीज सीख ली, आपने देख लिया कि भाई डेटा जो है वो एनालॉग भी हो सकता है और डेटा जो है वो डिजिटल भी हो सकता है। फिर उस डेटा को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन से, वोल्टेज वेरिएशन से, तो वो वोल्टेज वेरिएशन एनालॉग डेटा सिग्नल भी हो सकती है और डिजिटल डेटा सिग्नल भी हो सकता है। फिर हमने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स देख लिए कि भाई बैंडविड्थ क्या है, तो पीरियोडिसिटी क्या चीज़ होती है, बिट लेंथ क्या है, कंपोजिट और सिंपल सिग्नल में क्या फ़र्क है, वगैरह वगैरह। अब बात यह है कि आप इस डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, क्योंकि मेरा एम्फेसिस डिजिटल सिग्नल पर इसलिए कि दिस कोर्स इज CCN कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, और कंप्यूटर कम्युनिकेशन में जो सिग्नल की नेचर होती है बिटवीन वन कंप्यूटर टू अदर वो डिजिटल ही होती है। जहाँ तक कम्युनिकेशन सिस्टम कोर्स का ताल्लुक है तो वहाँ एम्फेसिस ज़्यादा हमारा एनालॉग ट्रांसमिशन पर होता है। बहरहाल तो द फंडामेंटल क्वेश्चन इज हाउ वी कैन सेंड अ डिजिटल सिग्नल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट B. So we have two major approaches to transmit the signal. The first one is baseband transmission. अच्छा, अब अगर आपको याद हो मैंने लैब के अंदर ईथरनेट आर्किटेक्चर डिस्कस किए थे, पता नहीं लैब नंबर 2 थी या 3 थी, बहरहाल तो वो थे 10 base 2, 10 base 3, 10 base 5, whatever, ठीक है जी। तो वहाँ जो बेस का वर्ड था बेसिकली वो रिफ़र कर रहा था कि ये जो ईथरनेट का आर्किटेक्चर है वो बेस बैंड ट्रांसमिशन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। दो तरह से ट्रांसमिट किया जाता है एक डिजिटल डेटा को या डिजिटल सिग्नल को, एक है बेस बैंड ट्रांसमिशन और दूसरी है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। बेस बैंड ट्रांसमिशन से मुराद ये है कि डिजिटल सिग्नल जो है वो चैनल के ऊपर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं विदाउट मॉड्यूलेशन। अब फिर मॉड्यूलेशन क्या है वो अगेन कम्युनिकेशन सिस्टम का टॉपिक का हिस्सा है। इसको सिंपल यूँ बात कर लें कि आप किसी कैरियर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप किसी सवारी का इस्तेमाल नहीं कर रहे उस डिजिटल सिग्नल को भेजने के लिए। अगर ये एक डिजिटल सिग्नल है तो एज इट इज आप इस सिग्नल को चैनल यानी कि मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट कर देते हो, मॉड्यूलेशन नहीं करते। मॉड्यूलेशन अगर आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ी भी है तो आपको पता है कि वहाँ पे एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर का इस्तेमाल किया जाता है और इस सिग्नल के करेक्टरिस्टिक्स चेंज किए जाते हैं जिससे इसकी फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम चेंज हो जाता है और ये मीडियम पे ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। अब वो क्यों किया जाता है और यहाँ क्यों नहीं किया जा रहा ये एक अलग डिबेट है। बहरहाल इसमें इस डिबेट में हम मतलब मैं उसी के साथ डिबेट कर सकता हूँ जिसको एटलीस्ट मॉड्यूलेशन का पता हो, और अभी इस लेक्चर का या इस कोर्स का स्कोप नहीं है कि हम मॉड्यूलेशन डिस्कस करें। अच्छा, मॉड्यूलेशन ना करने से क्या मामला होता है कि आपका
अच्छा, मॉड्यूलेशन करने से क्या होता है कि आपके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाती है। लेट सपोज ये डिजिटल सिग्नल है, मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूं, तो मुझे पता चलता है कि इसकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं, और ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, तो इसकी फ्रीक्वेंसीज इस तरह बन रही हैं जैसे यहां पे दिखाई गई थी, ठीक है। और दूसरी बात मुझे क्या पता चली कि भाई बैंडविड्थ तो इनफिनाइट है। अच्छा, इनफिनाइट बैंडविड्थ पे हम बाद में बात करेंगे। इस तरह की बैंडविड्थ से मुझे ये बात पता चली कि मुझे अगर ये सिग्नल पास करना होगा अपने सिस्टम से या उस केबल से, जैसे कि ईथरनेट की केबल जो हम यूज करते हैं उस केबल से पास करना पड़ेगा, तो उस केबल को एक लो पास फिल्टर होना पड़ेगा। लो पास क्यों? क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये जीरो से स्टार्ट हो रही हैं और आगे एक बहुत हाई रेंज के बाद जाके खत्म हो रही हैं या इनफिनाइट रेंज के बाद खत्म हो रही हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये एक तरह का लो पास रिस्पॉन्स है। तो बेस बैंड ट्रांसमिशन में आप सिग्नल को एज इट इज ट्रांसमिट कर देते हैं, मॉड्यूलेशन नहीं करते, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट नहीं करते। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर देता तो ये मतलब होता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का कि इनिशियली इसकी फ्रीक्वेंसी F1 जो थी वो लो रेंज में थी और F2 एक हाई फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, तो इट विल बी अ लो पास रिस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन मैंने मॉड्यूलेशन नहीं की, अगर मैं कर देता तो इसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाती, तब मुझे लो पास फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब मुझे पता है कि ये डिजिटल सिग्नल है और इसकी इनफिनाइट या बहुत ज़्यादा हाई बैंडविड्थ है, तो मुझे एक ऐसा चैनल चाहिए, मुझे एक ऐसा मीडियम चाहिए जिसकी एक तो बैंडविड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा भी हो और लो पास रिस्पॉन्स हो, यानी कि बेस बैंड रिस्पॉन्स पास बैंड रिस्पॉन्स नहीं हो, इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं हो। इस तरह का मतलब कि इट इज पासिंग सम फ्रीक्वेंसीज स्टार्टिंग एट द मिडिल एंड एंडिंग एट सम डिफरेंट वैल्यूज, टू डिफरेंट वैल्यूज पे वो स्टॉप कर रहा है। लेट सपोज पांच किलो से एक किलो फ्रीक्वेंसीज तक की जो फ्रीक्वेंसीज है वो ट्रांसमिट कर रहा है ये चैनल, तो ये पास बैंड रिस्पॉन्स कहलाता है, क्योंकि जीरो से वन किलो तक की फ्रीक्वेंसीज को इसने पास नहीं किया। तो मुझे ऐसे फिल्टर की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे सिस्टम की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे केबल की जरूरत नहीं है। मुझे तो अगर मैं बेस बैंड ट्रांसमिशन कर रहा हूँ या करूँ या मैं, क्योंकि दो तरीकों से ट्रांसमिट किया जा सकता है, इस तरीके में क्या करते हैं कि आप सिग्नल को एज इट इज ट्रांसमिट कर देते हैं मीडियम के ऊपर, लेकिन मीडियम की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वो जो है वो लो फ्रीक्वेंसीज से लेके अप टू वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज पास करेगा, और मीनिंग के वो लो पास रिस्पॉन्स देगा। लेकिन एक एक्चुअल, अब आप यहाँ देखें कि आपका ये इनपुट सिग्नल की बैंडविड्थ है जो कि इनफिनाइट है, तो इसको एक ऐसा चैनल चाहिए जो एक स्मूथ रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा हो, लो फ्रीक्वेंसी लो पास रिस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन वो ज़रूरी, मतलब आइडियली भी बात करें या प्रैक्टिकली भी बात करें, तो किसी भी चैनल की बैंडविड्थ इनफिनाइट नहीं हो सकती, उसकी सर्टेन एक रेंज हो सकती है F1 से F2। अब भले ही F1 जीरो हो लेकिन F2 कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, तो किसी हद तक थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी, लेकिन वो बहुत हमारी एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब होती हैं जिनसे हमारे सिग्नल की शेप बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं होती, लेकिन किसी हद तक हो भी जाती है। अच्छा, ऐसे चैनल की एग्जांपल क्या है? कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन जो हो रही है, जिस तरह मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूँ ईथरनेट केबल की, तो ये सारी कम्युनिकेशन बेसबैंड होती है और यहाँ पे जो चैनल है, क्योंकि अगर आप स्टार, लेट्स सपोज स्टार टोपोलॉजी की बात करें, तो उस स्टार टोपोलॉजी की स्विच से हब या हब से एक केबल निकलती है और वो आपके कंप्यूटर में अटैच हो जाती है।
तो उस केबल की जितनी भी बैंडविड्थ है वो आप और आपकी डिवाइस के साथ शेयर हो रही है, इसके अलावा कोई उसको यूज नहीं कर रहा। और एक नॉर्मल केबल जो है बहुत मैक्सिमम बैंडविड्थ प्रोवाइड कर सकती है इन आराम से जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। हर केबल की अपनी एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, आपको आगे जब मैं ट्रांसमिशन मीडियम पढ़ाऊंगा तो ये बाद में बताऊंगा कि हर केबल की अपनी एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं जिसको वो सपोर्ट करती है, यानी कि उसकी एक बैंडविड्थ होती है। तो इन केबल्स की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है, इन इन मतलब प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, इनफिनाइट नहीं होती लेकिन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन में यूज़ हो सकती हैं। अब अगर एक लो पास चैनल है और उसकी लिमिटेड बैंडविड्थ है और आपको डिजिटल सिग्नल ही ट्रांसमिट करना है, तो आपने देखा कि यहाँ जो मामला हो रहा है ये एक डिजिटल सिग्नल था और ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, करप्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। ठीक है, तो आप जो हैं वो अच्छा याद रहे कि ये डिजिटल सिग्नल जो है वो अगेन कंपोजिशन होता है आपके एनालॉग सिग्नल्स का ही, यानी कि बहुत सारे एनालॉग सिग्नल्स मिल के एक डिजिटल डिजिटल सिग्नल बनाते हैं। ठीक है, तो हम एक डिजिटल सिग्नल को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, उसकी उसमें जो कंपोनेंट्स हैं एनालॉग कंपोनेंट्स एक तरह से उनको कम कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे उतनी अच्छी और बेहतर अप्रोक्सीमेशन होगी डिजिटल सिग्नल की, लेकिन साथ ही साथ उतनी ज़्यादा बैंडविड्थ की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और हमारे चैनल में इनफिनाइट बैंडविड्थ नहीं है बल्कि लिमिटेड बैंडविड्थ है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जो हम एक डिश की बात कर रहे थे या जो हम एक जूस की बात कर रहे थे, तो अब उसमें लेट सपोज 100 ऑफ इंग्रेडिएंट्स उस कढ़ाई में या उस जूस के अंदर डल रहे हैं, लेकिन कुछ लेकिन जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हम क्या करेंगे कि हम जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालेंगे, एक दो और एक्स्ट्रा डाल देंगे ताकि उसका टेस्ट अच्छा आ जाए, लेकिन बहुत अच्छा को हम कंप्रोमाइज़ कर देंगे ताकि जो है उसकी कॉस्ट बच सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी उतनी ज़्यादा बैंडविथ आपको मिल सकती है। ठीक है, तो वी कैन अप्रोक्सीमेट, तो ये वही बात है कि लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेशन जो है डिपेंड करती है बैंडविथ की अवेलेबिलिटी के ऊपर। अब आपके चैनल के अंदर अगर आपका चैनल बहुत ज़्यादा अच्छी बैंडविथ सपोर्ट कर सकता है तो आप अप्रोक्सीमेशन अच्छी कर दें, लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेशन अच्छी कर दें, मतलब कंपोनेंट्स का इजाफा कर दें, मतलब इंग्रेडिएंट्स का इजाफा कर दें, आप ज़्यादा बैंडविड्थ सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसी है, लेट सपोज ये आपका डिजिटल सिग्नल है जिसका बिट रेट है एन, यानी कि एन कुछ भी हो सकता है, लेट सपोज वो 100 बिट्स या 1000 बिट्स वो 1 सेकेंड में भेज रहा है। तो अब मैं अगर इसकी अप्रोक्सीमेशन करूं एक ऐसे सिग्नल से जिसमें सिर्फ ये दो ही फ्रिक्वेंसीज हों, एफ इज इक्वल टू एन अपॉन टू, लेट सपोज अगर एफ एन जो है वो 100 है तो इट विल बी 50 और इट विल बी 150। ठीक है, तो सिग्नल की अप्रोक्सीमेशन कुछ इस तरह से होगी, लेकिन अगर मैं ये हार्मोनिक्स हैं, ठीक है, ये लेट सपोज अगर ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है तो ये पहला हार्मोनिक। ठीक है, बेसिकली हमने स्टार्ट यहाँ से किया है कि ओनली सिंगल फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। तो अब आप देख सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी या बैंडविड्थ तो बहुत कम हो गई, अगर ये 1000 है तो ये सिर्फ 500 ही है। ठीक है, यानी कि बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट समझ लें आप। ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन बहुत रफ है, ये एक बिल्कुल साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है और ये एक डिजिटल वेव फॉर्म है। अब मैंने इसमें एक हार्मोनिक बढ़ा दिया, यहाँ पे 3 कर दिया तो शेप थोड़ा सा बेहतर हुआ, एक हार्मोनिक और बढ़ाया तो शेप और मजीद बेहतर हुआ। तो जितनी ज़्यादा मैं हार्मोनिक्स बढ़ाऊंगा आई विल क्लोज अप्रोक्सीमेट टू द डिजिटल वेव फॉर्म, लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरी बैंडविथ की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। ये चीज़ इस टेबल के अंदर जो है ना वो समराइज की गई है कि अगर लेट सपोज आपके डिजिटल वेव फॉर्म का बिट रेट है 1000 और आप एक ही हार्मोनिक भेजना चाहते हैं, यानी कि एक रफ अप्रोक्सीमेशन करना चाहते हैं,
तो एन अपॉन टू विल बी 500, यानी कि आपका काम 500 हर्ट्ज की बैंडविड्थ, अगर ऐसा चैनल है जो 500 हर्ट्ज की बैंडविड्थ सपोर्ट करता है तो आप उससे भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप सिर्फ अपने डिजिटल सिग्नल का पहला ही हार्मोनिक भेज पाएंगे, जिसकी वजह से रिसीवर उसकी अप्रोक्सीमेशन अच्छी नहीं कर पाएगा और वो कुछ इस तरह का सिग्नल बनाएगा, ठीक है। अगर आप जो है वो एक अच्छा, ये ओड हार्मोनिक्स होते हैं, जो स्क्वायर वेव होती है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ ओड हार्मोनिक्स, ठीक है। तो अगर आप पहला और तीसरा भेजना चाहते हैं हार्मोनिक, तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट विल बी 1.5K, यानी कि 3 times, अगर वो 500 थी पहले हार्मोनिक पे तो 1500 हो गई है। तीन हार्मोनिक्स भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि ये देखें फार्मूला, देखें एन अपॉन टू, 3N/2, यानी कि 3 times N/2, देन 5 times, देन 7, 9 एंड सो ऑन। तो इससे हमें ये बात पता चली कि बेसबैंड ट्रांसमिशन जो है आप कर सकते हैं। बेसबैंड ट्रांसमिशन को अगर मैं कहूँगी डायरेक्ट ट्रांसमिशन, हम सिग्नल को कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, हम उसको जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे, उस कैरियर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उसको डायरेक्ट मीडियम पे भेज रहे हैं, लेकिन अब मीडियम की जो बैंडविड्थ है उससे हमारे सिग्नल की शेप मुतासिर हो सकती है। और हम वो कैसे मुतासिर होगी, क्योंकि हमें पता है कि डिजिटल सिग्नल इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड ओड हार्मोनिक्स, तो हमारे सिग्नल सिस्टम की जितनी बैंडविड्थ होगी हम उतने ही हार्मोनिक्स ट्रांसमिट कर पाएंगे, उतनी लेवल ऑफ एक्यूरेसी और अप्रोक्सीमेशन हम कर पाएंगे, इंश्योर कर पाएंगे, वो यहाँ समराइज है। अब इसी टेबल से रिलेटेड ये एग्जांपल है कि व्हाट इज अ रिक्वायर्ड बैंडविड्थ ऑफ अ लो पास चैनल इफ वी नीड टू सेंड 1 megabits बाय यूजिंग द बेसबैंड ट्रांसमिशन। तो 1 megabit का मतलब क्या है कि जो बिट रेट है, यानी कि नंबर ऑफ बिट्स जो कि वो सेंड करना चाह रहा है अपने डिजिटल सिग्नल के अंदर, वो 1 Mbps है। और अब वो बेसबैंड ट्रांसमिशन करना चाह रहा है, तो अगर आप मिनिमम बैंडविड्थ की बात करेंगे तो 1 Mbps का आधा, यानी कि एक ही हार्मोनिक, ठीक है, जो कि 500 किलोहर्ट्ज़ है, नहीं तो आप दो हार्मोनिक्स ट्रांसमिट कर दें तो इतनी बैंडविड्थ रिक्वायर्ड करनी होगी, तीन करेंगे तो इतनी करेंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका चैनल कैसा है, चैनल की बैंडविड्थ ज़्यादा है, लो पास है और ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर यही बात की गई थी कि ऐसे सिग्नल के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है हमारी वो या तो इन्फिनाइट या बहुत ज़्यादा हाई बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है चैनल की। लेकिन ये चीज़ हम अपने लैन एनवायरनमेंट में अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चैनल डेडिकेटेड होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है। शेयर्ड मीडियम में हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ मीडियम को बहुत सी यूजर्स शेयर्ड कर रहे होते हैं, यानी कि बैंडविड्थ शेयर हो रही होती है, तो वहाँ पे तो हमें लाजमी जो है ना वो दूसरा अप्रोच यूज़ करना पड़ेगी, जिसको ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन बोलते हैं। ये कर लीजिएगा तो ट्रांसमिशन में दूसरी टाइप क्या है जो डिजिटल सिग्नल जिस तरह ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो है ब्रॉडबैंड, यानी कि पहली थी बेसबैंड और दूसरी है ब्रॉडबैंड। अब ब्रॉडबैंड ये बिल्कुल अगेन एक टॉपिक आपका मॉड्यूलेशन से रिलेटेड है और वो अगेन कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेट हो जाता है। बहरहाल ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन से मुराद है कि अब आप मॉड्यूलेशन करेंगे, अब आप अपने सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट करेंगे लो पास से बैंड पास के अंदर। ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन या मॉड्यूलेशन मींस राइडिंग द डिजिटल सिग्नल ओवर द एनालॉग सिग्नल। अब आप डिजिटल सिग्नल को एज इट इज़ नहीं भेजेंगे चैनल के रहमो करम पे कि भाई चैनल की अगर बैंडविड्थ कम है तो हार्मोनिक्स कम भेजे जा रहे हैं, अगर चैनल की बैंडविड्थ ज़्यादा है तो कम ज़्यादा हार्मोनिक्स भेजे जा रहे हैं, बल्कि आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यानी कि इन अदर वर्ड्स में अगर बात करूँ कि आपका जो डिजिटल सिग्नल था वो मीडियम के साथ कंपेटेबल नहीं हो रहा था, हम इंफॉर्मेशन लॉस्ट कर रहे थे या हम शेप के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, तो अब मैं उसको मीडियम के साथ कंपेटेबल बनाना चाह रहा हूँ, ताकि जितनी बैंडविड्थ मेरे पास मिल रही हुई है मुझे, मैं उसी बैंडविड्थ में अपना सिग्नल को ट्रांसमिट भी कर दूँ और कोई मसला भी ना हो। याद रहे कि लैन एनवायरनमेंट में ये मसला इतना संगीन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो बैंडविड्थ है या जो वहाँ चैनल है वो डेडिकेटेड है, लेकिन ये मसला तब आएगा जब आप किसी शेयर मीडियम पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप राउटर से, आपके घर में 4 computers कनेक्ट हैं और वो राउटर आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवा रहा है, तो राउटर का वो पाथ, केबल का वो हिस्सा
जो कि राउटर से निकलता हुआ आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक जा रहा है, वो रास्ता शेयर्ड मीडियम है फॉर ऑल द फोर यूजर यूजिंग द राउटर। लेकिन यूजर से लेके राउटर तक का जो रास्ता है वो डेडिकेटेड है, तो वहां पे जो ट्रांसमिशन लेट सपोज अगर हो रही है तो वो बेसबैंड ट्रांसमिशन हो सकती है, यानी कि एक नॉर्मल लैन के अंदर ट्रांसमिशन जो हो रही है वो बेसबैंड हो जाएगी। लेकिन जब आप वाइड एरिया नेटवर्क पे जाएंगे तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो एक शेयर्ड मीडियम होता है, वहां पे दूसरे यूजर्स का भी डेटा मौजूद होता है। लिहाजा हमें यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो ये कि यानी कि अब हमें अपने सिग्नल की ट्रीटमेंट करनी होगी, उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो शेयर्ड मीडियम है वो आपकी इकलौती जागीर नहीं है, उसको हर कोई यूज कर रहा है। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल ऐसी है कि इसकी मिसाल ऐसी है कि हाईवे है, एक मिसाल है, ठीक है, हाईवे में मुख्तलिफ लेन्स हैं, ठीक है, तो वो एक शेयर्ड मीडियम है जिसको सारी गाड़ियां यूज कर रही हैं, ठीक है। लेकिन लेट सपोज आपके शहर की या आपके मोहल्ले की जो रोड्स हैं या स्ट्रीट्स हैं वो, मतलब लेट सपोज आप ही यूज करते हैं, आप कोई वीआईपी इंसान हैं, या यूं कह लें कि किसी और के पास गाड़ी नहीं है मोहल्ले में, तो वो रोड आप ही यूज कर रहे हैं, एक मिसाल है। लेकिन जब आप वो गाड़ी हाईवे पर लेकर आते हैं, मेन रोड पर लेकर आते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ लेन्स बना दी जाती हैं। तो लेट सपोज पहली लेन आपकी यूज की है, दूसरी लेन किसी और गाड़ी के इस्तेमाल में है, यानी कि मैं इसको अगर समझाना चाहूँ इस वाइट बोर्ड पे तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका। ये आपका राउटर है, और इससे तीन यूजर कनेक्टेड हैं डेडिकेटेड पाथ के थ्रू, यानी कि वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यूज कर रहे हैं, और वो बेसबैंड ट्रांसमिशन भी अफोर्ड कर सकते थे रिगार्डलेस। और उनको पता है कि भाई हमने बहुत अच्छी केबल लगाई हुई है, बहुत अच्छी ईथरनेट केबल लगाई हुई है, हमारे पास बैंडविड्थ का मसला नहीं है, हम 6-7 हारमोनिक्स ट्रांसमिट कर सकते हैं और एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो ये लोग बेसबैंड ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं। बेसबैंड ट्रांसमिशन करने का दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखेंगे तो वो एक लो पास रिस्पॉन्स बनेगा, ठीक है जनाब। मिसाल के तौर पे तीन सिग्नल्स हैं, तीन इंडिपेंडेंट सिग्नल हैं, तीन इंडिपेंडेंट चैनल के ऊपर हैं, लेकिन जब उनका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखा जा रहा है तो वो लो पास होने की वजह से सबका 0 से 10 किलोहर्ट्ज की रेंज में आ रहा है। अब राउटर जो है अब ये वाला जो मीडियम है ये एक शेयर्ड मीडियम है। राउटर का काम मल्टीप्लेक्सिंग भी होगा यहाँ पे, कि वो इन तीनों सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करेगा और एक कंबाइंड सिग्नल आगे ट्रांसमिट कर देगा आपके इंटरनेट क्लाउड पे, लेट सपोज, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो व्हाट डू यू थिंक कि देयर विल बी अ इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस क्यों हो रही है कि तीनों सिग्नल एक ही फ्रीक्वेंसी रेंज में आ रहे हैं 0 से 10, ठीक है। इसका मिसाल ऐसी है कि मेरी जो बोलने की फ्रीक्वेंसी है वो 4 किलोहर्ट्ज़ तक की है,
हर इंसान की फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज़ तक की है। तो अगर दो इंसान या चार इंसान या छह इंसान एक ही वक्त में एक कमरे में एक जगह बोलना शुरू कर देंगे तो देयर वुड बी इंटरफेरेंस। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उनको बोलेंगे भाई आप पहले आप बोल दो फिर आप, यानी कि हम उनको टाइम की बेसिस के ऊपर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यही काम हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं मल्टीप्लेक्सिंग की डिटेल में नहीं जा रहा कि टाइम डिवीजन करनी है या फ्रीक्वेंसी डिवीजन करनी है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि टाइम भी काफ़ी हो गया है कि ये अब एक ही फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट नहीं हो सकते, इनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड हमें मॉड्यूलेशन करनी पड़ेगी। और जब हम मॉड्यूलेशन कर रहे होते हैं और अगर वो एनालॉग मॉड्यूलेशन है तो हम एनालॉग कैरियर यूज़ कर रहे होते हैं एक हाई फ्रिक्वेंसी का, यानी कि अब ये 10 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल है। अच्छा, दूसरा मसला क्या है कि ये जो चैनल है इसकी बैंडविड्थ क्या है, ठीक है। हो सकता है ये ऑप्टिकल फाइबर है, हो सकता है ये कोएक्सियल केबल है, हो सकता है ये ट्विस्टेड पेयर केबल हो। तो हर केबल की अपनी एक रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज होती हैं जिनको वो सपोर्ट कर रही होती है वो केबल, विच मीन्स कि हर एक की बैंडविड्थ अलग है। मिसाल के तौर पे ये एक कैटेगरी 7 की ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसकी बैंडविड्थ लेट सपोज 1 गीगाहर्ट्ज़ है, एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरीके से लेट सपोज ये एक ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकती है और इसकी बैंडविड्थ भी 1 गीगाहर्ट्ज़ हो सकती है, लेकिन 1 गीगाहर्ट्ज़ ऑफ द ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी या ऑप्टिकल केबल की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होगी वो डिफरेंट होगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में आ रही होगी, क्योंकि बैंडविड्थ का जो फाइनल आंसर है 1 गीगाहर्ट्ज़ या 1 मेगाहर्ट्ज़, इससे आपको ये पता नहीं चलता कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और स्टॉप कहाँ से हो रहा है, क्योंकि वो तो F2 और F1 है, ठीक है। बैंडविड्थ से तो पता चल गया आपको एक रेंज, ठीक है। तो लेट सपोज ये कोई एक केबल थी जो कि 1 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसीज को सपोर्ट करती है, यानी कि बैंडविड्थ उसकी 4 गीगाहर्ट्ज़ की है। तो मुझे अब इन फ्रिक्वेंसीज को ट्रांसफॉर्म करना होगा। मेरे पास जो सिग्नल है वो लेट सपोज 10 किलोहर्ट्ज़ तक की रेंज का है, तो मुझे उसका स्पेक्ट्रम चेंज करना होगा, मुझे उसको मॉड्यूलेट करना होगा। कैसे? कुछ इस तरह से कि मैंने सिग्नल 1 को मॉड्यूलेट किया और उसको इस रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज में लेकर आ गया, दूसरे सिग्नल को मॉड्यूलेट किया उसको इस फ्रिक्वेंसी रेंज में लेकर आ गया, और तीसरे को किया इस रेंज में लेकर आ गया। तो ये काम मॉड्यूलेशन से होता है। इस तरह मैं डिजिटल सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन एक एनालॉग कैरियर से करवा देता हूँ जिसकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है, यानी कि ओरिजिनल सिग्नल के मुकाबले फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ दो मसले हो रहे थे, अगर मैं बेसबैंड ट्रांसमिशन ही ट्रांसमिट करना चाह रहा था एक शेयर्ड मीडियम पे, तो पहला मसला तो क्या था कि भाई इंटरफेरेंस हो रही थी, और दूसरा मसला क्या था कि जो शेयर्ड मीडियम है ना उसकी बैंडविड्थ हमेशा लो पास नहीं होती, ठीक है। वो कोई भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, ठीक है। लेट सपोज आप ट्विस्टेड पेयर यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको लो फ्रिक्वेंसी रेंज प्रोवाइड कर दे, लेकिन गारंटी नहीं है। जब हम मीडियम को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर मैं उनकी फ्रिक्वेंसीज भी बताऊंगा। कोएक्सियल केबल ऑन द अदर एंड हैव अ डिफरेंट रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज, ऑप्टिकल फाइबर हैव अ डिफरेंट रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज। अब आप एक ऐसा सिग्नल जो कि बेसबैंड सिग्नल है, जो कि एक लो पास सिग्नल है, वो उस मीडियम पे ट्रांसमिट नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा कान 30 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी नहीं सुन सकता। अगर मैं अपने कान से एक 30 किलोहर्ट्ज़ की सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को पास करवाना चाहता हूँ तो मुझे उस 30 किलोहर्ट्ज़ सिग्नल को मॉडिफाई करना होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करके इस 20 किलोहर्ट्ज़ की रेंज में लाना पड़ेगा। तो दैट्स द रीजंस के मॉड्यूलेशन क्यों करनी पड़ रही है, ठीक है। और मॉड्यूलेशन करने से क्या 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 फ़ायदा हो रहा है, क्या मल्टीपल सिग्नल मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। लेकिन बेसबैंड में आपका क्या मामला था कि आपको डेडिकेटेड पाथ चाहिए था। डेडिकेटेड पाथ होने से क्या हो रहा था कि एक तो मीडियम की फ्रिक्वेंसी सारी की सारी आपको मिल रही थी और आपको मॉड्यूलेशन नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन वो शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर
कंप्यूटर टू कंप्यूटर में आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर या शेयरिंग मीडियम के ऊपर ये काम नहीं हो सकता। वहां पे आपको मॉड्यूलेशन ही करनी होगी। ठीक है जनाब, तो मॉड्यूलेशन अलाउ अस टू यूज अ बैंड पास चैनल। बैंड पास चैनल से मुराद एक ऐसा चैनल जिसमें रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हो टू पास, और वो जरूरी नहीं कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज स्टार्टिंग फ्रॉम द लो हो रही हो। ठीक है, जीरो डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, और ऐसा चैनल ज्यादा अवेलेबल होता है एज कंपेयर टू डेडिकेटेड चैनल। डेडिकेटेड चैनल लेट सपोज देखिए, मेरा डेडिकेटेड चैनल मेरे घर में मौजूद है, लेकिन जब मैं अपने घर के नेटवर्क से बाहर निकल रहा हूँ तो मैं शेयर मीडियम पर आ रहा हूँ, वो वाइडली अवेलेबल है, सबको अवेलेबल है वो। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या है जैसे मैंने बताया, इंटरफेरेंस नहीं हो रही। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। वी हैव रिकवर, वी हैव रिव्यू बेसिकली डेटा एंड सिग्नल कॉन्सेप्ट। वी लर्न वॉट इज मीन बाय द ट्रांसमिशन, what is mean by baseband transmission, what is mean by broadband transmission. In the next हम ये learn करेंगे कि भाई जब transmission कर देते हैं, चाहे baseband करें या broadband करें, तो फिर कुछ खराबी पैदा हो जाती है signal के अंदर due to the channel conditions, जिसको हम transmission impairments कहते हैं। वो क्या है, कैसे उसको quantify करें, कैसे rectify करें, we will learn in the next lecture इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रख